आ गए हैं दिल्ली का हार्ट कहा जाने वाला चांदनी चौक, जो कि है यहाँ का फूड हब। तो करेंगे यहीं की फूड को एक्सप्लोर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शुरुआत करते हैं यहाँ की जलेबी से, जो कि काफ़ी पुरानी शॉप है। यहाँ की जलेबी और रबड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इनका बनने वाला मटर वाला समोसा भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हम लोगों ने यहाँ ले लिया है एक पीस जलेबी का, जिसे जलेबी तो नहीं जलेबा ज़रूर लग रहा है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी थी। और साथ में जलेबी के हमने लिया था यहाँ पर मटर वाला समोसा, जिसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ छोले भटूरे खाने हो तो मिर्ची वाला है, वहाँ पर आप छोले भटूरे खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। ये जो मशीन वाला ठंडा पानी है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। 2 रुपए में एक गिलास पानी, सही है। गुरुद्वारा के अपोजिट है गुरु कृपा डोसा कॉर्नर, जहाँ पर हम मिल जाते हैं साउथ इंडियन फूड, कई तरह के पकौड़े, चाय। और यहाँ की जो पकौड़े की स्पेशलिटी है वो यही है कि इनकी जो कोटिंग होती है वो मूंग की दाल से होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लेट लिया है मिर्ची वड़ा, जिसकी कोटिंग भी मूंग की दाल से ही हुई है। तो यहाँ हमारी प्लेट लग कर के रेडी हो गई है, काफ़ी रश रहता है इस शॉप पर। तो चलिए ट्राई करते हैं इनकी मिर्ची वड़े। ये लो जी, आ गए हैं हमारे मिर्ची वाले पकौड़े, साथ में है गर्मा गर्म चाय। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इन मिर्ची वड़े का, मस्ट ट्राई। घूमते घूमते हम लोग आ पहुंचे हैं पराठे वाली गली के यहाँ। गली में एंटर होते ही हमें दिखी है नान खटाई वाले भैया, जहाँ पर लाइव नान खटाई बनाई जा रही थी गर्मा गर्म। 100 ग्राम का प्राइस था 60 रुपीज, तो हम लोगों ने अपने लिए ले लिया है यहाँ पर गर्मा गर्म नान खटाई। तो ये देखिए यहाँ पर बनाई जा रही है गर्मा गर्म नान खटाई। गर्मा गर्म नान खटाई खा के बहुत ही मजा आया। फिर हम लोग आ पहुंचे हैं पराठा खाने पंडित गया प्रसाद जी की, जहां पर सेलिब्रिटीज भी आकर के पराठा खा चुके हैं। तो यहां जो पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, टेस्ट भी इनका बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी हाइजीन तरीके से यहां पे पराठा को बनाया जाता है। और अगर वैरायटी की बात की जाए तो लॉट्स ऑफ वैरायटी है इनके पास पराठे की। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था मिक्स वेज पराठा। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्लेट आई है उसमें है आलू मटर की सब्जी, मीठी चटनी, साथ में है इसमें बनाना, हरी चटनी है, कद्दू की सब्जी है, साथ में है ये सैलेड। और ये आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म मिक्स वेज पराठा, और देखिए कितने ही क्रिस्पी है। चलिए बिना देर किए खाते हैं, बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आ रही है। ऐसे ही मजेदार फूड वीडियोस को एंजॉय करने के लिए भूख अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बिना देर किए खाते हैं। स्टफिंग देखिए बहुत ही बढ़िया है। ओए होए होए होए, क्या ही कहना इनके पराठों का, तो मजा ही आ गया। पराठे वाली गली में ही है भोला चाट भंडार, जहाँ की चाट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनके पास मिल जाएंगे आपको आलू चाट, टिक्की, गोलगप्पे और पनीर टिक्का। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिए थे इनके पालक वाले गोलगप्पे, जिनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। इनकी चाट भी बहुत ही बढ़िया है।
इनकी जो चाट है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। न्यूज़ चैनल वालों ने भी इनकी आउटलेट को कवर किया है, तो आप लोग भी जब कभी पराठे वाली गली जाए तो आंटी की ये डिलीशियस वाली चाट ज़रूर ट्राई करें। आए और यहाँ आकर के यहाँ के दही भल्ले ना खाए तो फिर क्या ही खाया। डेफिनेटली आप लोगों के मुंह में पानी आ ही गया होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही डिलीशियस लग रही है ये दही भल्ले की प्लेट। चलिए खाते हैं ये डिलीशियस वाले दही भल्ले। मूंग की दाल का चीला तो मैंने बहुत खाया है, लेकिन यहाँ जो मूंग की दाल का चीला बन रहा था वो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, तो मैंने सोचा ये वाला चीला ट्राई करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जो चीला बन रहा है कुछ रैप टाइप का बन रहा है। चलिए करते हैं इस चीला को टेस्ट। चीला कहूँ या रैप जो भी है, खाते हैं हम इसे। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, खाने में पता चलेगा कि ये कैसा है। यम्मी। यहाँ पर घूमते घूमते बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो यहाँ पर खाने पीने को मिल जाती है, और अगर टेस्ट की बात की जाए तो जो भी अब तक मैंने खाया है उन सभी का टेस्ट बहुत ही कमाल का था। दिल्ली का जो फूड का टेस्ट है भाई एक नंबर है। और क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो गन्ने का जूस तो बिल्कुल बनता ही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर गन्ने का जूस भी लिया। करते हैं इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye bye. Stay connected.